नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार ऐसी रेसिपी जिसका नाम है आलू सैंडविच, यानी के पोटैटो सैंडविच। इसे आप सुबह के नाश्ते में या शाम को चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। वेजिटेबल स्टफ सैंडविच या फिर आलू स्टफ सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 से 3 बड़े आलू, जिसको मैंने बॉईल करके मैश करके रखा है। फिर हमें लगेगा थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मटर, थोड़े से कॉर्न, एक प्याज और एक कद्दूकस किया हुआ गाजर, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा टमाटो सॉस और थोड़ी सी मेयोनीज। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी लेके स्टफिंग बना सकते हैं। और फिर हमें लगेगा सैंडविच ब्रेड। सैंडविच का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं। इसमें सबसे पहले डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और काली मिर्च पाउडर। इन सारी चीजों को हम लोग मिक्स कर देंगे। घर में अवेलेबल स्पाइसेस से इंस्टेंट ऐसा सैंडविच का मसाला आराम से बन जाता है। आप इसे रख कर जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंडविच का मसाला यहाँ पे बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर यहाँ पे मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे हमारे वेजेस को। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे प्याज को, कैप्सिकम, हरी मटर, गाजर और कॉर्न। एक ही साथ सारी वेजेस हम लोग डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। वेजेस को हम लोग ज़्यादा नहीं भूनेंगे। अगर आपको कोई वेजेस इसमें पसंद नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस 1 मिनट हम लोग वेजेस को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्स हर्ब्स डालने से स्टफिंग में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर या ड्राइड गार्लिक है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पिज्ज़ा सीजनिंग या पास्ता सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अभी थोड़ा सा पिज्ज़ा सीजनिंग और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हर्ब्स या पिज्जा सीजनिंग बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर आपके बच्चों को इसकी खुशबू पसंद है या फिर इसकी टेस्ट पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे इसमें मैश्ड आलू को और एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसा स्टफिंग यहाँ पे बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग डालेंगे हरा धनिया और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। बस हमारा स्टफिंग यहाँ पे बनकर तैयार है। इसे हम लोग अब एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम लोग इस ब्रेड के एजेस कट कर लेंगे। इस तरह से सारे स्लाइसेस से मैंने एजेस को कट कर दिया है। अब हम लोग एक स्लाइस के ऊपर मेयोनीज लगा लेंगे। दूसरी स्लाइस में हम लोग टमाटो सॉस स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से हम लोग इसे लगा देंगे और फिर इसके ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाया था उसको स्प्रेड कर देंगे। एक स्पून की सहायता से हम लोग स्टफिंग को ले लेंगे, ब्रेड के ऊपर डाल के इसको स्पून से ही अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। चारों तरफ से मैंने ब्रेड के ऊपर स्टफिंग को स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सैंडविच मसाला। दोनों स्लाइसेस पे डाल देंगे और अगर आपके बच्चों को आप एक चीज पसंद है तो स्टफिंग के ऊपर ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ऐसा टेस्टी चीजी आलू सैंडविच यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस स्लाइस को दूसरी स्लाइस के ऊपर ढक देंगे
और उसे प्रेस कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा बटर या घी। दोनों तरफ से हम लोग बटर को लगा देंगे। अब इसको हम लोग तवे के ऊपर सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने एक तवा गरम करने के लिए रखा है, इसके ऊपर हम लोग सैंडविच को रख देंगे। इसे अच्छी तरह से एक तरफ से सेक लेंगे और फिर पलटा के दूसरी तरफ भी सेक देंगे। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसे सेक लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ऐसा स्टफ्ड आलू सैंडविच यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। बस दोनों तरफ से सैंडविच यहाँ रोस्ट होके तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और खाने में यकीनन बहुत ही बढ़िया होगा। इसे हम लोग एक सर्विंग प्लेट के ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे सैंडविच को हम लोग बना लेंगे। इसको एक कटर की सहायता से बीच में कट कर देंगे। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ऐसा मिक्स वेजिटेबल पोटैटो सैंडविच यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।